हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके भाई के जनरल एसपी फैंटेसी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फैनकोट स्टेट टिटन जो मालमो का दिन का पहला मैच खेला जाएगा MAM और GOC यानी मालमोस और गोटेबर्ग सिटी के बीच में। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप आइए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपका छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। आप कल के मैच, आज के मैच, सारे मैचेस का रिजल्ट देखिए पहले, फिर बाद में आप ज्वाइन करना। अगर आपको पसंद आए तो ही खेले दोस्तों। यहाँ पे आपको रिस्की टीम प्रोवाइड कराई जाती है सेम टीम की अपेक्षा, क्योंकि दोस्तों रिस्की टीम में क्या होता है कि जीतने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें देखो आप, जैसे कि अभी सुबह 9:30 बजे वाला जो पांडुचेरी T20 उसमें मैंने कैप्टन बनाया मैथ्यू को, बिल्कुल रिस्की दोस्तों, और PRCS पे रिस्क लिया। क्यों लिया इसको दोस्तों? देखो सेफ टीम के साथ क्या होता है कि हमारी और अपोनेंट की टीम बिल्कुल सेम हो जाती है, सिर्फ कैप्टन विसी का डिफेंस होता है या कैप्टन विसी सेम हो जाए तो एक आध प्लेयर का डिफेंस होता है उसमें। या तो हम इजीली विन होते हैं तो भी दोस्तों अपना कितना होता है विन, 5 पॉइंट 10 पॉइंट से, या अगर हम लॉस हो जाते तो हम 5 पॉइंट या 1 पॉइंट से भी हार सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर उनका प्लेयर ऐसा प्लेयर जो जिसने ज़्यादा पॉइंट दे दिया और एक ही डिफेंस है और अपने एक प्लेयर ने कम पॉइंट दिया तो हमारा लॉस पक्का है। और ऐसे मैचेस में दोस्तों अपने जीतने के चांस भी बहुत कम रहते हैं सेफ टीम के साथ। लेकिन दोस्तों इसकी टीम में क्या होता है कि अपने और हमारे अपोनेंट के बीच में जो पॉइंट जो प्लेयर डिफेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने की वजह से अगर दोस्तों अपना एक रिस्की वर्क भी काम कर जाता है तो हम इजीली विन कर सकते हैं। जैसा कि आपने ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश वाले मैच में देखा होगा, मैंने क्या किया, सिप्सन को VC बनाया था जिसने 3 विकेट लिए, 1 और मिडन किया प्लस 2 बोल्ड किया, शानदार पिक थी, सब ने अल्ट्रा क्लीन से विन किया। साथ में अगर कल के वाला आप देखो पांडुचेरी वाला, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो दोस्तों इसमें हमने मिनी जेल तक विन किया, जो 3-9 वाली होती है दोस्तों मिनी जेल 340 मेंबर्स में, उसमें हमने फर्स्ट रैंक लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा, ये देख लो आप दोस्तों, मिनी जेल विन हुआ। तो हमने क्या किया, थोड़ा रिस्क लिया, रिस्क वर्क हमेशा वर्क करता है। इसमें हमने क्या किया दोस्तों, कैप्टन सबका सेम था, VC जसवंत को किया, बहुत सारे अपोनेंट क्या किया कि आसवत को कैप्टन करके आए थे, रघुपति को कैप्टन करके, लेकिन हमने जसवंत को कैप्टन किया और दोस्तों ये हमारा कैप्टन काम भी किया, ये जो हमारा रिस्क था दोस्तों काम किया। फिर दोस्तों गणेश को लिया हमने, गणेश का चांस बहुत कम था लेकिन गणेश ने क्या किया, इजीली अच्छे खासे रन बनाए और हमें 1 साइड अप टू मिनी जेल में हमें विन करवा दिया। साथ ही अगर आप T10 में देखो तो सारे अपोनेंट ने कैप्टन VC को रिवर्स किया था, लेकिन हमने क्या किया दोस्तों, हमने जो डिफेंस पिक किया, जो मेन प्लेयर है, क्योंकि हमें पता है कि मल्होत्रा कितना शानदार प्लेयर है और हमारी टीम बेहतर गई, आप देख सकते हो। और राजपूत को तो बहुत कम जनता ने लिया था, मैं हर वीडियो में, हर मैच में जो हर वीडियो है उसमें ये मेंशन कर रहा हूँ कि आप राजपूत को जरूर ट्राई करना, एक शानदार प्लेयर है। आप चाहे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें फिर आप देख सकते हो T10 का देख लो रिजल्ट देख लो दोस्तों, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा डिफेंस रहा। लेकिन दोस्तों फिर कल अगले वाले T10 में हमने इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया दोस्तों, लेकिन हाँ आज हम कोशिश करेंगे, नाइट में फिर वुमन वाला मैच भी अच्छा गया तो आज हम यही ट्राई करेंगे दोस्तों कि आज का हमारा T10 शानदार जाए। तो बस आपके भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए। अब चलते हैं दोनों टीमों के मैच की तरफ जो T10 मैच खेला जाएगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कीजिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके सर्च कीजिए LD@SPFantasy123, आप जुड़ जाओगे। दोस्तों मैंने जो आप प्लेइंग 11 लिख दिया, सॉरी दोस्तों थोड़ी मिस्टेक की वजह से सही नहीं लिख पाया मैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बता दूंगा। मालमोज की ओर से बात करें तो इनकी ओर से दोस्तों पटना एक ओपन करता है, रिसेंटली शुरू के 2-3 मैच में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कल जो लास्ट मैच खेला गया था दोस्तों उसमें अच्छी खासी हिटिंग की, 30-35 के समथिंग इसने, आप देख सकते हो मैंने यहाँ नोट बना के लिखा हुआ था कि आपको इजीली हो कि लास्ट मैच आप आसानी से प्रोटेक्शन कर सको। लास्ट मैच में क्या किया दोस्तों, जो पटना है जिसने 12 गेंद पे महज 35 रन बना करे, सॉरी दोस्तों महज 12 बॉल पे 35 रन बनाए, तो एक शानदार अपना जो शानदार पिक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों 12 गेंद पे 35 रन बनाना नॉर्मल 70 पॉइंट दिए उस मैच में आपको, एक शानदार प्लेयर है। तो पटना है 3 मैच में अभी तक, वो वैसे ऑलरेडी टीम ने 4 मैच खेले हैं मालमोज ने, लेकिन पटना ने सिर्फ 3 मैच खेले उसमें 54 रन किए। उस्मान शफी तो दोस्तों बॉलर है, इसको गलती से मैंने लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर प्लेइंग 11 में है तो अगर बॉलिंग करता है तो आपके लिए बेहतर चॉइस है। तो आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, अगर लास्ट में बॉलिंग एज अ बॉलर के अकॉर्डिंग हम बताएंगे आपको कि उस्मान शफी को बॉलिंग मिलती या नहीं मिलती। वैसे हार्ड हिटर बहुत तगड़ा है अभी। धीरज मल्होत्रा 4 मैच खेले, 16 रन बनाए और 5 विकेट लिए, तो बेहतर पिक है कैप्टन VC की, सोचने वाली बात है नहीं। फिर आता अंकित गुप्ता, अंकित गुप्ता के शानदार विकेट कीपर है, कल आपने पारी देखी होगी 104 रन की, 11 छक्के, धमाकेदार प्लेयर है, जरूर ट्राई करना अगर आप चाहो तो मिनी जेल GL में एज एक टीम में आप इसको कैप्टन VC जरूर ट्राई करना दोस्तों। अगर ये 1 साइड विन परफॉर्म किया तो आप 1 साइड सिंगल हैंडली जीत जाओगे दोस्तों करंटली के स्मॉल। फिर आता दोस्तों अनवारी ने 2 मैच खेले, इसमें 12 रन बनाए, कोई विकेट नहीं। रिजवान अशरफ ने 1 मैच में, सॉरी दोस्तों रिजवान अशरफ ने सिर्फ 1 विकेट लिया कल जो मैच खेला गया था दिन का पहला उसमें, लेकिन जिस मैच में पटना एक नहीं खेलता उस मैच में ओपन करता है अशरफ, जरूर ट्राई करना आप रिजवान को। फराज मुंदिर ने 2 विकेट लिए अभी तक। दिनेश किरण ने दोस्तों 1 सेकंड मैच में ओपन किया था लेकिन बारिश की वजह से रद्द हो गया था मैच, तो सिर्फ 3 रन बनाए।
एडम सटन की बात करें तो 2 विकेट लिए अभी तक, और खुर्रम की बात करें सज्जाद ने कोई विकेट नहीं मिला, कल दोनों मैच खेले लेकिन विकेट नहीं मिले थे। आप देख सकते हो लास्ट मैच के बारे में बता रखा है तो मैंने। कोलबर्ग सिटी की बात करें तो इनकी ओर से रहीम शापी एक शानदार प्लेयर है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था जब इन्होंने एक भी टी20 नहीं खेला था, सिर्फ टी20 स्टेट से कितने शानदार थे। पहले मैच में शापी कैप्टन था अपना, वो अल्ट्रा मिनी जीएल में विन किया हमने। आप देख सकते हो शापी ने 12 रन बनाए 3 विकेट लिए, दिनेश सिद्दीकी ने 2 रन बनाए ओपन करते हुए। महीप शाहीन एक शानदार डिसेंट प्लेयर, मल्होत्रा और महीप शाहीन दोनों ही बेहतर होगा कैप्टन विसी की चॉइस, लेकिन जो मेन दोस्तों जो डिजर्व करेगा ना मेन जो नोटिस होगा वो रहेगा टॉस का, टॉस कौन जीतता है तब पता चलेगा कि हम कैप्टन मल्होत्रा को करें या महीप को करें। तो आप बस उसके लिए क्या करना, आपको भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। 5 विकेट 43 रन शानदार प्लेयर है, बैटिंग से उतना खास नहीं लेकिन बॉलिंग से अच्छा है, लेकिन मल्होत्रा वन ऑफ द बेस्ट विकेट की, क्योंकि मल्होत्रा को टी20 खेलने का अनुभव है, महीप शाहीन को इतना है नहीं, सिर्फ टी20 मैच खेले पहले। हरिंदर सिंह की बात करें तो कोई विकेट नहीं मिला, क्विज़र मोहम्मद ने दोस्तों 45 रन की, कोई विकेट नहीं मिला, विकेट कीपर बैट्समैन में है, शानदार प्लेयर है, विकेट मिल जाए तो आपके लिए जोरदार प्लेयर साबित होता है। विकास दीक्षित ने कोई विकेट नहीं मिला, अब्बू जॉय ने 39 रन बनाए अभी तक, अविनाश केट्टी ने 2 रन बनाए 1 विकेट लिया जो भी पहले मैच में मिला था। सभी मुंबई ने दोस्तों विकेट कीपिंग करते हुए 37 रन बनाए, हबीबुर रहमान ने 2 विकेट लिए सिर्फ पहले मैच में लिए थे, 2 ही मैच खेले, ज़्यादा मैच नहीं खेले इन्होंने। उमर उस्मान ने 26 रन बनाए। अब हम बात करते हैं अपने ड्रीम टीम की ओर, कि कौन सा प्लेयर कब बैटिंग करने आता और क्या उनकी कैसा परफॉर्म कर सकता है। अब चलते हैं ड्रीम टीम की ओर। विकेट कीपर में बात करें, गुप्ता और महमूद दोनों बेहतर प्लेयर है, शानदार प्लेयर है, अच्छी खासी कीपिंग और बैटिंग से अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है आपको। बैट्समैन में बात करें तो रिजवान अशरफ, आफ्टर टॉस के बाद पता चलेगा कि इसको हमें टीम में लेना है या नहीं लेना। अभी के लिए मैं मल्होत्रा पटनायक को ले रहा हूँ और फाइनल बॉलर है दोस्तों बैट्समैन और होगा क्वाइज़ महमूद को लेने का मेरा यही मकसद है कि 2 ओवर बॉलिंग प्लस बैटिंग मिलेगी। ऑलराउंडर में शानिन राफी और अंकित राजपूत बेहतर पिक की। करंट लीग में दिखाऊँ तो मैं आपको अस सिंह शानदार प्लेयर है, टी20 में जोरदार रिकॉर्ड है दोस्तों, मैंने आपको दिखाया प्रीवियस वीडियो देख सकते हो आप। बॉलिंग में तो बिगले शटन शानदार खिलाड़ी हबीबुर रहमान को ले रहा हूँ मैं, और फाइनल प्ले बॉलर जो रहेगा वो मुनीर रहेगा, लेकिन फाइनल टीम हमेशा चेंज होगी तो आप ध्यान रखना हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जोड़ करना। कैप्टन विषय तो वही है दोस्तों मल्होत्रा और शानिन, लेकिन फाइनल टीम के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आइए भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, धन्यवाद।